जम्मू कश्मीर असेंबली भंग होने के बाद आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की बेहतरी एवं जम्मू कश्मीर के संविधान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, दूसरा पक्ष भी अपनी मेजोरिटी बता रहा था, ये भी बता रहे थे, कोई मेरे पास आया नहीं, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, किसी ने कोई लिस्ट नहीं दी, किसी ने कोई एमएलए की परेड नहीं कराई। इनके पास तो 5 महीने से ज्यादा था, अभी तो आधा ही महीना मेरे पास रह गया है, तो उस 5 महीने से अचानक इनको ये बात उठी, इसमें इन्होंने क्यों नहीं कोई अटेम्प्ट किया, अगर तो मैं बहुत यूनिटी थी, कोई नहीं आया, दूसरे पक्ष से भी नहीं आया, और मैंने ना दूसरे पक्ष के दावे को एंटरटेन किया ना इनके को किया, और जो मैं ठीक समझता था स्टेट के लिए वो स्टेप मैंने लिया। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम जम्मू कश्मीर के संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत किया। जम्मू कश्मीर के संविधान में ये व्यवस्था है कि मुझको इस काम के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना है, इसके लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना है, इसके लिए राष्ट्रपति जी से भी इजाजत नहीं लेनी है, उनको सिर्फ इतला दे देनी है, तो मैं जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक एक्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उन्होंने राजभवन में फैक्स मशीन के खराब होने के विषय में जवाब देते हुए कहा कि ईद के अवसर पर सभी कर्मचारी छुट्टी पर थे जिससे फैक्स उन तक नहीं पहुंच पाया। देखिए आप उनसे ये पूछिए, दोनों ये कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते थे, हम तो असेंबली का रेजोल्यूशन चाहते थे, हम तो 5 महीने से मांग कर रहे थे, वो क्यों दोगली बात करे, वो तो खुश हो रहे हैं कि हम जो चाहते थे वो हो गया। फैक्स कोई इश्यू नहीं है, मैं कल ईद का दिन था, वो दोनों लोग डिवोट मुस्लिम है, उन्हें जानना चाहिए ईद के दिन दफ्तर बंद रहते हैं, मेरे कल रसोईया भी नहीं था, फैक्स चलाने वाले की तो अलग बात भूल जाइए, कोई सिस्टम नहीं था, वो सुबह आदमी भेज सकते थे, और कल से कल के अलावा कल से पहला दिन भी तो था, क्यों नहीं उन्होंने, ये बहानेबाजी की बात है, और मेरे पास अभी जाता तो भी मेरा ये स्टैंड है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।